हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन बाय सुरेश गंगवार पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ एक अलग तरह का वीडियो लेकर के आया हूँ, जो कि कुछ खास सवाल हमारे मस्तिष्क में कभी कभी घूमा करते हैं कि जैसे अब हमें क्या जॉब करनी चाहिए, हमें किस तरह का काम करना चाहिए, अब हम क्या करें जिससे कुछ पैसे कमा सकें, कौन से काम को हम अच्छी तरह से कर पाएंगे, आदि आदि। ये इस तरह के सवाल जो हैं कभी कभी हम लोगों को बहुत ही परेशान करते हैं और हमें कोई काम ठीक से करने के लिए समझ में नहीं आता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। इसको लास्ट तक देखिएगा, आपको अवश्य कुछ ना कुछ उपयोगी जानकारी प्राप्त होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे दोस्त पढ़ाई कर रहे हैं तो वो तो अपना पढ़ाई में अच्छी तरह से मन लगाएं, अच्छे से खूब बढ़िया करके पढ़ाई करें, कंपटीशन क्रॉस करें और अच्छी अच्छी जॉब में उनकी नौकरी लगे, तो उन्हें कुछ वहाँ से मान सम्मान और इसके साथ साथ अच्छी सैलरी भी मिलेगी। लेकिन अगर हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब करने के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी अपना पार्ट टाइम कुछ करना चाहते हैं, या जिन हमारे साथियों को जॉब सरकारी जॉब या गवर्नमेंट में कहीं नहीं मिल पाई है, तो वो अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हें तलाश है किसी ऐसे काम की जिसको वो अच्छी तरह से कर पाएंगे और जिससे कुछ मान सम्मान के साथ इतना पैसा कमा पाए जिससे कि उन्हें आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो सके। तो इसमें क्या करना चाहिए दोस्तों, कि ऐसी स्थिति में हमें सबसे पहले तो ये विचार करना चाहिए कि कौन कौन से तरह के काम हैं, किस तरह के कामों से हम अर्निंग कर सकते हैं। तो मेनली दोस्तों जो हैं, दो तरह से जॉब जो है किया जाता है। एक प्रोडक्ट बेस्ड जॉब, जिसमें कोई ना कोई आप प्रोडक्ट या तो खुद बनाएंगे या कहीं से खरीद के लाएंगे और उसको रीसेल करेंगे। तो ये जो है एक कहना चाहिए, इसमें जैसे कि कोई शोरूम खोल लिया आपने या कोई दुकान खोल ली आपने, जिसमें आपने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट कहीं और से कलेक्ट किए या स्वयं बनाए और उनको बेचा। लेकिन इस तरह के जॉब को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आपका शोरूम अच्छा चला, आपकी दुकान अच्छी चली, तो जो प्रोडक्ट आपने रखे हैं वही आपका पड़ोसी रख लेगा, तो इसमें कंपटीशन बहुत है। मैं आपको दूसरे टाइप के जॉब के बारे में रिकमेंड करूंगा, जो होता है सर्विस बेस्ड जॉब। तो दोस्तों, ये मेरी भी पहली पसंद है, सर्विस बेस्ड जॉब। इसमें क्या होता है कि आपको कोई प्रोडक्ट नहीं देना है, ना कोई प्रोडक्ट लेना है ना देना है, आपको सर्विस देनी है, मतलब आपको अपनी सेवा देनी है, एक एक्सपीरियंस देना है कस्टमर के लिए। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जितनी अच्छी क्वालिटी होगी आपकी सर्विस की, उतनी अच्छी आपकी अर्निंग होगी, आपकी डिमांड होगी, और इसमें कोई आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर इन्वेस्ट हुआ भी तो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट होता है, कुछ आवश्यक टूल्स वगैरह आपने ले लिए। बाकी इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको शोरूम खोलना है बहुत बड़ा या कोई दुकान खोलनी है जिसमें आपको प्रोडक्ट कलेक्ट करने हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए इसमें सबसे बड़ा फायदा ये कि आपको कम पैसों में आपका काम चल जाएगा, और दूसरा फायदा ये कि एक बार जैसे आपने अपनी सर्विस दे दी, तो अगर आपकी सर्विस में थोड़ी सी क्वालिटी होगी, वो अच्छी होगी, तो वो कस्टमर आपका परमानेंट ग्राहक हो जाएगा। जैसे प्रोडक्ट बेस में क्या होता है, मान लो कोई प्रोडक्ट अच्छा है, किसी ने उसे बरेली में खरीदा, अब उसे वो अच्छा लगा, आज वो पीलीभीत में है, तो
वही प्रोडक्ट वो अब बरेली लेने नहीं जाएगा, पीलीभीत में ले लेगा। लेकिन सर्विस एक बार जिसने जहाँ से ली है और उसे वहाँ अच्छी सर्विस मिली थी, तो उस जैसी सर्विस सबसे दूसरी जगह उसे नहीं मिलेगी जल्दी। वो उसे अगर वैसी अच्छी सर्विस चाहिए तो वापस आपके पास ही उसे आना होगा। इसलिए इसमें क्या होता है दोस्तों कि लॉन्ग टाइम आपका ग्राहक चलता है, तो कम इन्वेस्टमेंट, कंपटीशन कम, क्योंकि आप जो भी सर्विस देंगे उसमें आपकी क्वालिटी होगी, आपकी मेहनत होगी। कुछ ऐसा नहीं है कि कोई आसपास वाले या पड़ोसी आपका जो है उसने भी आपकी देखा दूनी वही चीज़ लाके अपने शोरूम में रख ली। भाई ये तो एक क्वालिटी है जो आपने अपने अंदर डेवलप करी हुई होगी। अब सर्विसेज के बारे में भी आपको मैं कुछ अपनी ओर से आपको सजेशन दूँ, छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक बहुत सारी सर्विसेज हो सकती हैं। आपको सबसे पहले अपने अंदर झांकना है, अपना आत्ममंथन करना है कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जिनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, या मैं कोशिश करूँ तो उनमें और अच्छी तरह से मैं पारंगत हो सकता हूँ, कौन कौन सी ऐसी सेवाएं हैं जिनको मैं दे सकता हूँ। तो उसके बाद आप पाएंगे कि कुछ ना कुछ आप अवश्य ऐसा जानते होंगे कि जिसके आधार पर आप कोई विशेष सर्विस जो आप जानते हैं वो अपने कस्टमर को दे सकती हैं। अगर जरूरत होगी तो उसमें आप कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह ले सकते हैं, जिस जैसे कि मैं बताऊं इलेक्ट्रिकल की फील्ड है, उसमें आपके ये इलेक्ट्रिकल संबंधित इलेक्ट्रिक वायरिंग करना है, पंखे सही करना है, मोटर का काम है, फिटर वाइंडिंग वगैरह है, ये सब सर्विस के क्षेत्र में आते हैं। तो आपको जो है अगर बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है और आप लगभग इंटर तक या हाई स्कूल इंटर वगैरह पढ़े हुए हैं, तो इसके बाद आप GTI या ITI जैसी संस्थाओं में अपना एडमिशन लेकर के ट्रेनिंग्स ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा, आपके ग्राहकों का आपके ऊपर विश्वास बढ़ेगा कि हाँ ये सर्विस देने वाला ट्रेंड है। और अगर किसी सर्विस विशेष के संबंध में कोई लाइसेंस की जरूरत होगी तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये तो कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो ट्रेनिंग पे बेस्ड हैं। वैसे सर्विस चाहे कोई भी हो, ट्रेनिंग हर सर्विस की होती है, और जितना अच्छी तरह से आप खुद को ट्रेंड कर लेंगे उसमें ऐसा कोई कंपटीशन नहीं होता है कि कोई पड़ोसी ने आपको देखा तो आपका काम वो शुरू कर दे, नहीं कर पाएगा। उसमें खुद को ट्रेंड करना पड़ेगा पहले उसे। तो इसमें आपका कम पैसा इन्वेस्टमेंट, खुद की क्वालिटी जितनी चाहे बढ़ा लें आपके हाथ में, जितनी चाहे प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे जितनी अच्छी तरह से अपनी आप क्वालिटी बढ़ा लेंगे, आपका जो है बिजनेस उतना ही बढ़ेगा, आपकी डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। और कुछ सर्विसेज के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जैसे ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा सर्विस फील्ड है। इसमें क्या होता है कि कुछ भी आपको सामान वगैरह ऑर्डर लेना है और एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचा देना, तो ये भी छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक। छोटे स्तर का मतलब मेरा ये लोग ऑटो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, बड़े स्तर पे आ जाओ तो ट्रक चल रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं। जिस स्तर को आप एफोर्ड करते हो उस स्तर के हिसाब से आप बिजनेस को अपना सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, देखिए जैसे ये अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ही तो कर रहे हैं। कोई भी प्रोडक्ट ये जो हमें उपलब्ध करवाते हैं, क्या इनका अपना प्रोडक्ट होता है? नहीं ना, किसी और से प्रोडक्ट लिया और कस्टमर तक पहुंचा दिया, तो देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन का ही तो काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा क्षेत्र है, इसे आप आजमा सकते हैं। दूसरा क्षेत्र दोस्तों फूड से संबंधित, खाने से संबंधित। फूड सर्विसेज हमारे देश में बहुत ही लोकप्रिय हैं। हमारा देश खाने पीने के मामले में बहुत ही चाव से अच्छी अच्छी चीज़ें खाने की इच्छा रखता है। हमारे यहाँ लोग जो हैं
बढ़िया बढ़िया रेस्तरा, होटल्स या छोटे छोटे अपने दुकानों में जाकर के डिलीशियस स्वादिष्ट भोजनों का खूब स्वाद लेती हैं। तो खूब शौकीन है हमारे देश के लोग स्वादिष्ट और अच्छा भोजन खाने के। तो आप अपने स्तर के लेवल के हिसाब से कुछ भी फूड प्रोडक्ट संबंधित सर्विस कस्टमर्स को दे सकते हैं। जैसे छोटे छोटे लेवल पे आ जाओ तो ये छोटे छोटे ठेले वाले हैं, कोई चाट बना रहा है, कोई कुछ सर्विस दे रहा है, कोई जूस पिला रहा है। बड़े स्तर पे आ जाओ थोड़ा तो होटल्स हैं, अपने वहाँ अच्छा अच्छा खाना खिलाया जा रहा है, रेस्टोरेंट है। तो हर लेवल का, जिस लेवल को आप अफोर्ड करें उस लेवल पर फूड एंड सप्लाई के क्षेत्र में आप एंट्री मार सकते हैं। बहुत अच्छा फील्ड है। तीसरा क्षेत्र दोस्तों मेडिकल से संबंधित है। अब बड़े स्तर के सर्विसेज तो भाई जो कंपटीशन क्रॉस करके आएंगे डॉक्टर्स होंगे वही देंगे, लेकिन आप छोटे स्तर की सर्विसेज कर सकते हैं। जैसे डी फार्मा है, GTI में डी फार्मा होता है, उसको कर लें, बी फार्मा कर सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी ट्रेनिंग्स लेकर के आप, लाइसेंस आपको मिल सकता है और आप स्वयं की मेडिकल स्टोर वगैरह कर सकते हैं। और ये ऐसा बिजनेस है जो मेडिकल का बहुत ही ज़रूरतमंद, सबसे ज़्यादा डिमांडेड और कभी भी ख़त्म ना होने वाला। तो बहुत ही अट्रैक्टिव और अच्छा बिजनेस है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो इसको आप आजमा सकते हैं। इसके बाद चौथा बिजनेस एजुकेशन से संबंधित है। अगर आप थोड़े से पढ़े हुए हैं तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखने के साथ साथ या अपने कंपटीशंस की तैयारी रखने के साथ साथ किड्स को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, बच्चों को उनके घर पे जाके होम ट्यूशंस दे सकते हैं। इससे आपको कुछ ही घंटे आपके खर्च होंगे और आपको एक अच्छी अर्निंग प्राप्त हो जाएगी। तो साथियों ये कुछ जॉब्स मैंने आपको बताए, आप अगर स्वयं के अंदर झांकेंगे तो आपको आपके अंदर कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा जो आप अच्छी तरह से कर सकेंगे। बस ज़रूरत होगी उनमें थोड़ा सा आपको आत्मविश्वास जगाने की और उनमें निखार लाने की। तो या तो कहीं अपने किसी संस्थान से संबंधित हो तो उसमें ट्रेनिंग्स ले लें, या किसी शॉप वगैरह पे थोड़ी दिन उसको सीख लें, उसके बाद उस काम को शुरू करें। तो इस तरह से आप किसी भी काम को बड़े अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों सर्विसिंग के जॉब की सबसे बड़ी विशेषता तो ये होती है कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फायदा ही होगा, नुकसान होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर होगा तो सिर्फ फायदा होगा, कम से कम नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट तो आपका कुछ है ही नहीं, केवल टूल्स वगैरह ही हो सकता है आपने लिए हो, बाकी उसमें कोई आपको प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, केवल अपनी सर्विस देना है। तो इसमें आपका जीरो नुकसान और प्रॉफिट अनलिमिटेड, जितनी आपके अंदर क्वालिटी होती जाएगी उतना आपको प्रॉफिट होता जाएगा। दोस्तों कुछ बातें मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जैसे आप कोई भी सर्विसिंग देना चाहते हैं, आपने चूज कर ली, उसके बाद आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला ये है, जैसे इसमें सर्विसिंग जॉब में प्रोडक्ट तो है नहीं, सर्विस देना है आपको, तो आपकी जो सर्विस है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, आपको अच्छा अच्छी नॉलेज उसके अंदर हो, अच्छी से अच्छी नॉलेज आपको ज़्यादा से ज़्यादा गेन करते रहें, इससे आपकी सर्विस जो होगी वो बेहतर होगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपसे जुड़ सकेंगे। दूसरी बात प्राइस की आती है। तो जैसे प्रोडक्ट बेस अगर जॉब होता उसमें तो लोग प्रोडक्ट देख करके उसके प्राइस की कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन ये सर्विस जॉब में ये एक बेनिफिट है कि यहाँ पर अगर आप अच्छी क्वालिटी की सर्विस दे पा रहे हैं अपने कस्टमर्स को तो कस्टमर आपको कोई भी प्राइस देने के लिए तैयार हो जाएगा। मतलब कस्टमर को एक अच्छी क्वालिटी वाली सर्विस लेने के लिए वो किसी भी प्राइस के किसी भी लेवल तक जाने की
सोच मन में रखता है। तो एक ये बेनिफिट है इसमें कि प्राइस सेंसिटिविटी जो है वो कस्टमर्स के अंदर नहीं होती है, जैसे कि प्रोडक्ट में होती है। प्रोडक्ट में वो प्रोडक्ट देख लेगा कि ये इसमें प्रोडक्ट ऐसा है तो इसके हिसाब से प्राइस इसकी ऐसी है तो ये कम है या ज़्यादा है, लेकिन सर्विस उसको अच्छी मिलेगी तो आपको थोड़ा ज़्यादा भी प्राइस होगा तो उसको वो अफोर्ड कर लेगा। तीसरी बात आती है प्लेस की, तो इसमें मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं, मान लो किसी की इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित सर्विस दे रहा है, या कोई फूड सप्लाई से संबंधित सर्विस दे रहा है, या कोई और सर्विस दे रहा है जो होम सर्विस नहीं ना हो करके एक शॉप सर्विस है, तो ऐसी स्थिति में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कोई ऐसी जगह मिले आपको तो ज़्यादा अच्छा है कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़ सकें, मतलब सामाजिक सोशल प्लेस हो, जैसे वहाँ कोई हॉस्पिटल हो आसपास में, या कोई ऑफिस हो, या कोई आपके और कोई इंस्टीट्यूट हो, तो इन चीज़ों से क्या होगा कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते जाते होंगे तो आपको जो है संपर्क बढ़ेगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसा प्लेस नहीं है तो बिल्कुल भी निश्चित चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर से ही अपनी जॉब का प्रमोशन कर सकती हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन आप थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी करें और उसके बाद अपने लोकल एरिया में ऑनलाइन उसको प्रमोशन दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने जॉब के बारे में बताएं कि इस जगह पर ये काम हो रहा है, क्योंकि आपके पास जो भी कस्टमर आएगा आप उसे अच्छी सेवा देंगे और उसके बाद फिर वो आपके पास आता रहेगा, लेकिन पहले वो आपके पास आए तो प्रमोशन करना भी एक बहुत ही जरूरी चीज़ है। या तो आपके पास आपका प्लेस ऐसा होगी जहाँ स्वयं ही आपका प्रमोशन हो रहा है, आसपास बढ़िया बढ़िया ऑफिसेस या कोई अन्य इंस्टीट्यूट, तहसील है, कचहरी है, या कोई और चीज़ें हैं तो हो जाएगा। लेकिन अगर ये सब नहीं है तो आप अपने घर से आपको ऑनलाइन थोड़ी सी स्टार्टिंग में कोशिश करनी होगी, उसके बाद जब आपका बिजनेस के बारे में लोग जान जाएंगे तो फिर एक बार जो आपसे सर्विस ले गया बार बार आपके पास आएगा। साथ में एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है साथियों कि थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है। जो भी आप काम शुरू करेंगे तो हो सकता है उसमें स्टार्टिंग में अर्निंग कम हो, कम इनकम हो, तो साल साल 6 महीने या 2 साल लग जाते हैं किसी भी जॉब को जमने में, किसी भी बिजनेस को जमने में। पर ये आपको बेनिफिट मिलेगा कि एक प्रोडक्ट बेस्ड जो जॉब होता है उसकी अपेक्षा सर्विस बेस्ड जॉब जल्दी जमता है। इसमें बस थोड़ी सी क्वालिटी आप दे दें, फिर देखें आप कि किस तरह से लोग आपके पास आते हैं। तो अंत में साथियों मैं कहना चाहूँगा कि अपनी योग्यता के अनुसार आप जो है अपने आप को आंकें, अपने अंदर तलाशें और सर्विस बेस जॉब को अपनाएं, उसमें जो है अपनी क्वालिटी बढ़ाएं और खूब इनकम करें, खूब तरक्की करें। धन्यवाद।